नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, एसबीआई क्रेडिट कार्ड, आप योनो ऐप के माध्यम से किस तरीके से अप्लाई करेंगे ताकि आपका कार्ड जल्दी से जल्दी बन जाए, मैं आज आपको एक लाइव डेमो बताऊंगा कि किस तरीके से आपको क्रेडिट कार्ड योनो ऐप के माध्यम से अप्लाई करना है। अब कार्ड अप्लाई करने के पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हमारे लिए कौन सा कार्ड सूटेबल रहेगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में काफ़ी सारे तरह के वेरियंट उपलब्ध होते हैं जो कि आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली होते हैं। अब देखिए, कई लोगों को ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता है, कई लोगों का होटल बुकिंग ज़्यादा होता है, कई लोगों का अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग ज़्यादा होती है, कई लोगों का लेन देन ज़्यादा होता है, कई लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम सबसे पहले वीडियो में देखेंगे कि आप अपना क्रेडिट कार्ड किस तरीके से चूज़ करें और बाद में हम बताएंगे कि किस तरीके से आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको योनो ऐप ओपन कर लेनी है। योनो ऐप के साइड में आपको तीन लाइनें जहाँ दिखती है ऊपर, वहाँ आपको क्लिक करना है। वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। उसके अंदर आपको कार्ड्स का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कार्ड्स का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपके पास तीन चार ऑप्शन आएंगे, तो उसके अंदर आपको करना है फाइंड योर परफेक्ट क्रेडिट कार्ड, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम क्रेडिट कार्ड चूज करेंगे। आपको लेट्स बिगिन की बटन पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद कई बार अगर ग्लिचेस आते हैं तो आपको कंटिन्यू जारी रखना है। अब यहाँ पर आपका दिखाना है कि सबसे पहले कि आपको किस किस चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है, ट्रैवलिंग या फिर किस चीज़ के लिए। जैसे मैं आप फ्यूल सरचार्ज और रिवार्ड्स पॉइंट का मेरा मेन कंसर्न है तो मैं वह क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पर मेरी एनुअल इनकम कितनी है वो मुझे यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करके मेरा जो मेन जो मंथली एक्सपेंसेस है, डाइनिंग, फ्यूल, इंटरनेशनल, वो सब मुझे यहाँ पर लिख देना है कि किस में कितना एक्सपेंसेस होता है। आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है कि किस चीज़ में आपका कितना खर्चा होता है, और वह सब चूज़ करने के बाद आपको शो कार्ड पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि सिस्टम ने कहा कि मेरे लिए दिए दो कार्ड सूटेबल हैं, तो मैं सबसे पहला कार्ड जो मुझे सूट करता है वह मैं चूज़ कर लूँगा। मैं मेरा क्रेडिट कार्ड चूज़ कर लूँगा, फिर उसके बाद मैं उस पर क्लिक कर दूँगा। फिर मेरे सामने आगे इसकी डिटेल्स आ जाएंगी कि इसके अंदर फीचर्स क्या है, फीस क्या है, चार्जेस क्या है। अगर मैं सब चीज़ों से सेटिस्फाई हूँ तो मैं अप्लाई नाउ की बटन पर क्लिक करूँगा। अब फिर मुझे यहाँ पर सिटी सेलेक्ट कर लेनी है जो मेरी सिटी है। जैसे मेरी सिटी जयपुर है तो मैं यहाँ पर जयपुर को सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाऊँगा। फिर मैं प्रोसीड की बटन पे क्लिक करूँगा। इसके बाद सिस्टम मुझसे पूछेगा कि आपको का अपना सेविंग अकाउंट नंबर चूज़ करें। मैं यहाँ पर अपना सेविंग अकाउंट नंबर चूज़ कर आई एग्री की बटन पे क्लिक कर दूँगा। फिर उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पॉपुलेट कर देगा। अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। और सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं सेंड ओटीपी की बटन पर क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर कुछ चीज़ें नहीं हो रही है पॉपुलेट तो वो मुझे क्लिक कर लेनी है, और सेंड ओटीपी की बटन पे मैं क्लिक करूँगा। सेंड ओटीपी की बटन, मेरे पास तुरंत एक ओटीपी आएगा मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल पर, वो मुझे यहाँ पर एंटर कर देना है। जो मेरा ओटीपी आएगा, ये देखिए, ये ओटीपी तुरंत आ जाता है। वो ओटीपी एंटर करने के बाद मुझे सबमिट की बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट की बटन पे क्लिक करने के बाद फिर एप्लीकेशन पे मेरी कुछ डिटेल्स पॉपुलेट हो जाएंगी। अगर मुझे लग रहा है कहीं कुछ करेक्शन करना है तो मुझे वह क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट की बटन पे मुझे क्लिक करना है। नेक्स्ट की बटन पे जब मैं क्लिक करूँगा, अगर जैसे ये देखिए पिन कोड नहीं आया तो मुझे पिन कोड एंटर करना है और फिर यहाँ पर नेक्स्ट की बटन पर क्लिक कर देना है। अब ये मेरे सामने आगे डिटेल्स आ चुकी हैं। यहाँ पर मुझे सबसे पहले कंपनी का नाम सेलेक्ट कर लेना है जो मेरी कंपनी है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे ये आता है कि मैं उस कंपनी में किस प्रोफाइल पर हूँ, वह मुझे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सारी कंपनियों के लगभग जो बड़ी कंपनियाँ हैं उनके नाम पॉपुलेट हो जाते हैं, अगर नहीं होता तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। अब नीचे पे मुझे डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर लेना है कि इस कंपनी में मेरा डेजिग्नेशन क्या है। जैसे मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं कितने साल से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है या मेरी कंपनी को कितने साल हो गए, फिर नेक्स्ट की बटन पे मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मुझे प्रोफेशनल डिटेल्स में, मतलब मेरे कंपनी का जो एड्रेस है वो मुझे यहाँ पर क्लिक कर लिख देना है। यहाँ पर मुझे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके सबमिट की बटन पर क्लिक करना है। जब मैं सबमिट की बटन पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा,
और ये लिखा आ जाएगा कि अब कुछ ही दिनों में कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपको 10 से 15 दिन के अंदर आपका क्रेडिट कार्ड आपके घर पर आ जाएगा। तो यह बहुत आसान है SBI क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।